मेरा नाम अमित कुमार है, मैं जिला बुलंदशहर से यमुनोत्री एग्रो कंपनी से आया हूँ। आप हमारे किसान हैं जिला बलिया के, जो पपीते की खेती कर जुड़कर कर रहे हैं कंपनी से, आइए से मिलते हैं सर। तो अपना सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजकुमार रजक है जी, जो यूपी के रहने वाले और जिला बलिया पड़ता है, और हमारा तहसील बैरिया है, पंचायत हमारा दया छपरा है। हमने यमुनोत्री एग्रो कंपनी से जो है हमने 900 पौधा लिए थे जी। पौधा सही सलामत आया था, उसके बाद गाइडलाइन दिया गया। गाइडलाइन में हमने जिस तरह गाइडलाइन दिया गया था उस हिसाब पर हमने लगाया पौधा को। वहाँ से कंपनी से हर गाइडलाइन मिला कि हमने फ़ोटो भेजते रहे और अपना स्प्रे कराते रहे, और जो भी हमारा समस्या था समाधान ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की तरफ से प्रयास किया गया। जैसे जैसे सर जी हम देख रहे हैं आपके आसपास कहीं पपीते की खेती नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ कहीं नहीं, कहीं नहीं हो रही। गेहूँ भी होता है यहाँ, हर मक्का भी होती है, मक्का भी हो रही है, लेकिन आसपास कहीं पपीता नहीं है। पपीता तो आपके मन में कैसा आया कि पपीता की खेती करनी चाहिए सर? हमने ये टारगेट बनाया थे बहुत पहले से, पहले से बना, बहुत पहले से। एक बार हमने बोए थे 100 पपीता बोए थे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा, तो उसको हमने मन में लगाए थे कि पहले ट्रायल कर लेते हैं। क्योंकि कंपनी का मामला था तो हमने सोचा कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, गाइडलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए 900 पौधा मांगा कर अपना ट्रायल के लिए स्टार्ट किए। तो सर कंपनी के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पर देखे, तमाम कई जगह कई कंपनियों से बात की है, लेकिन भरोसा आप लोगों का कंपनी को हुआ, यमुनोत्री पर भरोसा हुआ। तो ऐसा क्या लगा हमारी कंपनी के बारे में देख के कि यही कंपनी अच्छा काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा होता है भरोसा, और जो जिस तरह से हमको बात को संतुष्ट किया गया, बात जब हमने बात की है तो संतुष्ट हुए। जब संतुष्ट हुए और तमाम कंपनी से बात हुआ, लेकिन संतुष्टि नहीं मिला जब इस कंपनी से बात की है, तो संतुष्ट मिला, तो हमने अपना प्लान बनाया अपना प्लान को। तो मतलब पौधा कैसे प्राप्त हुआ आपको? ये डिलीवरी हुआ ऑनलाइन डिलीवरी। किस तरीके से बात की, मंगाया कैसे पौधा आपने कंपनी से? कंपनी से तो पहले हमने बात की, उसके बाद जो है पहले कुछ पैसा हमने जमा किया, 2-3 महीने पहले ऑर्डर कराया, बुक कराया। बुक कराने के बाद आप कंपनी ने कंपनी आपकी कंपनी जो है हमको बताई कि भाई इतना दिन थी 10 दिन आप बता दीजिए कब लगाएंगे खेत। हमने अपना समय बता दिया। समय बताने के बाद जो है हमारा, हम 10 दिन पहले फ़ोन किए कि भाई हमको पपीता, हमारा खेत तैयार हो गया है, हमको पौधा दे दीजिए। तो पौधा डिलीवर हो गया, हमने उतरवा लिया सही सलामत। तो जैसे पौधा आपने ऑर्डर दिया था, क्या किया था? ऑर्डर दिया था, ऑर्डर दिया। तो आपने ऑर्डर दिया था, कितना पैसा जमा कराया था? हमने लगभग 5,000 के करीब, 6,000 के करीब मैंने जमा किया। कितने दिन पहले कराया था? लगभग 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले किया था। आपको ऐसा नहीं लगा था पैसा जमा करते समय कि कभी पौधा ना आए हमारा? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। नहीं, बाजी किसान बोलते हैं ना कि शायद कंपनियां फ्रॉड करती हैं, पौधा आए नहीं, आए पैसा जमा करा दिए हम। इस कंपनी में हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हमने बेहिचक तुरंत अपने मोबाइल से पैसा डाल दिया, बात किए और तुरंत जो है पैसा डाल दिए। 900 पौधा हमने लाए हैं, इसमें से 620 पौधा है और दूसरा जगह भी लगाया, दूसरा जगह लगा। तो आपको पौधा कैसा मिला था सर? पौधा डिलीवर हुआ था कंपनी के तौर पे। जब आपने बुकिंग कराई थी तो उसके लिए आपको कोई बिल वगैरह कुछ दिया था? रसीद वगैरह मिली? पक्का बिल मिला था। पक्का बिल मिला था और एग्रीमेंट भी मिला था आपको? हाँ, एग्रीमेंट भी मिला था। तो कितना पौधा इनकी, आपने 900 पौधा मंगाया था? 900। अब कितना पौधा आप पर लगा हुआ है टोटल खेत में? यहाँ पर लगा है 620 पौधा है इसमें जी। और बाकी पौधा कहाँ है? और बाकी का पौधा दूसरा जगह लगा। पौधा कैसा मिला था? पौधा स्वस्थ मिला था, अच्छा मिला था। एक भी पौधा, जितना भी कंपनी से आया था पौधा, जितना भी बोए थे, एक भी हमारा नुकसान नहीं हुआ उसमें, कोई नुकसान नहीं हुआ था, एक भी नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी आपने जैसे कि स्टार्टिंग में 900 पौधा के लिए आपने बुकिंग की फाइनल जो पेमेंट बचा हुआ था बुकिंग के लिए, तो आपने दे दिया था 5-6 हज़ार रुपये। हाँ, बाकी फाइनल जो पैसा आपका बचा हुआ पैसा था वो क्या जमा कराया था? और लगभग हमने जमा कराए थे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले जमा कराया था। तो आपको इस समय तो आपने 5-6 हज़ार रुपये से बुकिंग करा दी थी। हाँ। जब फाइनल पेमेंट आपने 10 दिन पहले किया था, जब नहीं लगा था कि अब फ्रॉड ना हो जाए कहीं? अब तो पहले नहीं, तो ऐसा नहीं, तो ऐसा, ऐसा नहीं लगा था, नहीं लगा था। नहीं, ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब आगे आना है, जब कमर्शियल खेती करना है, तो कहीं ना कहीं अपना हाथ बढ़ाना पड़ता है। जब तक भरोसा नहीं करेंगे, जब तक किसी से मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। तो सर आपको बताया गया कि आपकी हम फसल भी खरीदेंगे? हाँ,
बताया गया था ये तो दोनों चीज बताया गया था कि अगर आपका ज्यादा रेट मिल रहा है आपका मंडी में तो आप बेच लीजिए जी, नहीं मिल रहा है तो हमको दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश स्तर पर जो मंडी का रेट रहेगा वो आपको मिलेगा। तो आपसे बोला गया था सारा पौधा स्वस्थ मिलेगा आपको। हाँ, तो सारा पौधा स्वस्थ मिला था सर, सब कोई पौधा डैमेज उल्टा सीधा उतार के आपको दे दिया हो? नहीं नहीं, जो डैमेज था उसको हमने चेंज कर लिया। ड्राइवर आया था आपके पास में, उसका बर्ताव कैसा लगा? वो अच्छा लगा जी। इसके बारे में आपको नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं है? जैसे आप कंपनी में कभी कॉल करते हो, जानकारी लेते हो, आपको जानकारी तुरंत मिलता है? जैसे आप कभी कॉल उठाई नहीं गई तो आपके पास कॉल आ जाती है? नहीं आती है, आती है। तो इनकी कंपनी से जुड़कर आप सर संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बाकी आपसे बताते हैं कंपनी वाले की जैसे कि आपके खेत पे भी आएंगे? हाँ हाँ बताए थे, हाँ बताते बोलते हैं ना उस समय, हाँ, बुकिंग कराते हैं। हाँ, ऐसा हो कि कुछ कंपनी वाले बोलते हैं कि बोल देते हैं कि हम खेत पे आएंगे फिर बाद में नहीं आ पाते हैं? बहुत ऐसा कंपनी वाले हैं कि नहीं आ पाते, नहीं आ पाते हैं। तो वो आपसे हमने पहले ही बोला था कि हाँ हम उधर आएंगे तो हम आपका विजिट करेंगे, तो आए आपके खेत पे? हाँ बिल्कुल आए। चलो सर ठीक है, वायरस की दिक्कत है मकड़ी बैठी हुई ना, देखो मकड़ी का जाला बना हुआ अलग दिख रहा है, इसके लिए स्प्रे वगैरह करानी पड़ेगी आपको। और अभी आप ये मान के चलिए कि पपीता में ये तो होता है सबसे हल्की खुशी होती है पपीते की, और फसलों में क्या होता है कि जैसे आपने गेहूँ लगाते हो, धान लगाते हो, मक्का वक्का ऐसी चीज़ें लगाते हो ना, उसमें क्या है कि आपको पता चला कि रोग आ रहा है, उसमें क्या करोगे आज टंकी लेके आओगे, कल दवाई लेके आओगे, अगले दिन स्प्रे करोगे। पपीता में क्या है कि आपको लगा कि दिक्कत आ रही है उसका तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, जैसे आपको लग रहा है आपको दवाई बता देंगे, आज शाम को ही आपको इस पे करा देना ठीक है। ये वायरस की दिक्कत है, मकड़ी है देखो, जाला अलग दिखा ना बना हुआ, ये रहा जाला ही बना हुआ है, इसमें देखो ये रहा देखो मकड़ी है, इसको स्प्रे करानी पड़ेगी, और आज ही पूरे खेत में करा देना। आज तो उसमें BC-100 और एसिडा मिलाकर मारने वाले थे। हाँ हाँ करा दी उसकी? नहीं अभी तो कराओगे? हाँ तो कराएंगे आज। हाँ हाँ वायरस की दिक्कत करा देना काम कर जाएगा। इसको ज्यादा ज्यादा लोग उसको 2 दिन या 3 दिन गैप लगा के पौधा है आपका, बस ये तो फंगस की वजह से था, ये तो कुछ अलग हो गया है, ये जड़ से गलन मतलब इस तरीके से यहाँ से माटी थोड़ा सा निकाला और यहाँ यहाँ से इतना ये थोड़ी कर दे रहा है, मिट्टी फैला देनी है, इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है मिट्टी, इसको चढ़ाएंगे नहीं, इसको यहाँ से हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसे बनवा देंगे, मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे इसको ऐसे लगवा देंगे, नहीं ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पानी पहुँचना जरूरी है ना। और एक और दिक्कत आ रहा है, आइए बता रहे हैं ये वाला कुछ नहीं है। सर जी देखो आपको मोजेक वायरस वो उसकी समस्या है, इसमें देखो कहीं पीला फट रहा है कहीं, अभी ये अब ऐसे हो, अब रंग हो गया अभी बिल्कुल, इसकी पत्ती और ज्यादा पतली हो जाएंगी, वो और ज्यादा पतली हो जाएगी, ये वायरस की दिक्कत है। BC-100 अभी करा दिया नहीं कराई आपने? नहीं कराई तो कई बार हमने छिड़कवाई किए, ये जो है इसकी पहचान ये भी उसी का है, देखिए नीचे आया है तो पत्ती पूरा है, इससे करा दिया ना आपने, एक स्प्रे और करा देंगे अभी आप आज कराएंगे। पानी के बताइए, जैसे पानी
तीसरा महीना नहीं, तीसरा महीना अभी 22 तारीख लगेगा। 22 तारीख लगेगा। खरपतवार भी निकला है। खरपतवार निकला है, बरसात के पहले पहले खरपतवार निकला है और जेड की तोड़ाई है। नहीं तो पौधा जितना आया था कंपनी से लगभग एक ही नहीं मरा था हमारे पास। हम लोग अपने से ही लगाए थे। इसकी व्यवस्था बनाई हुई है, बहुत अच्छी से बनाई हुई है। हम लोग अपने से लगाने का तरीका आपका बेड की वो थोड़ा बेड की चौड़ाई थोड़ी कम है, वरना ऊंचाई अच्छी बना रही है। इसमें हमने आप लोग 7 फीट बताए थे लेकिन हम 6.5 फीट पर रखे हैं कि तो इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, तो ऑक्सीजन का चाहे घाम का मात्रा सगरी से आ जा रहा है जी, इसीलिए हमने कम कर दिया इसको। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगे, ज़्यादा एकड़ में होगा तो उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, घूस जाए निकलवाते हैं तो लगाए काफ़ी ज़्यादा समय देखो ठीक है। नहीं ये तो दावा 5-5 दिन के सेशन तक मुझे लगातार करा दो इसको। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि आज मकड़ी का स्पेशल मरवा दे रहे हैं या वायरस वाला आज मरवा दे रहे हैं, कल जो है कल शाम को 12 घंटा का अंतराल हो जाएगा तो मकड़ी करवा देंगे। अब तो आप ये मान लीजिए आज या कल में पानी चलवा दीजिए, इसको पानी चलवाएंगे शाम में, हल्का हल्का पानी रंगा देंगे, ज़्यादा नहीं रंगा देंगे। चलो सर ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कंपनी से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल एकदम संतुष्ट है। ठीक है।